अरे आ गए आप सभी। ये मेरे हाथ में क्या है? ये आईना है, आईना। भाई मैं आईने में हम क्या करते हैं, अपने आप को देखते हैं। अच्छा आपको एक बात बताता हूं, जब मैं छोटा था तो मैं अपने आप को आईने में बहुत देखता था। आजकल भी देखता हूं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत ज्यादा ही देखता था। और मैं अपने आप को देखकर ये सोचता था कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूं, कि मेरी नाक ऐसी क्यों दिखती है, कि मेरे बाल ऐसे अजीब से क्यों हैं, कि मेरे उंगलियां इतनी लंबी लंबी क्यों हैं, कि मेरे रंग ऐसा क्यों है। मैं उस समय बहुत लंबा भी नहीं हुआ था और मैं बहुत रोता था कि मैं इतना छोटा ही रह गया, मैं कब लंबा होऊंगा। और ना जाने क्या क्या खुद को देख देख कर सोचता था और बहुत दुखी होता था। कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी हो जाता था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं उस लड़के जैसा क्यों नहीं दिखता हूं, वो फलानी लड़की मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। और ये सोचकर मैं मम्मी के पास जाता और मम्मी से कहता, माँ मैं ऐसा क्यों दिखता हूं। तो माँ कहती, कैसा दिखता? मैं कहता, माँ ऐसा। तो माँ कहती, ऐसा कैसा? तो मैं कहता, अरे भाई आपसे तो बात ही करना बेकार है, और मैं वहां से भाग जाता। और मैं इस तरीके से कई साल मैंने काट दिए और मैं खुद के बारे में ये सोचता रहा कि मैं काश ऐसा दिखता, मैं काश ऐसा दिखता, काश मेरे बाल ऐसे हो जाते, काश मेरी नाक वैसी हो जाती। और ये सोचते सोचते मैं बहुत दुखी भी होता, मुझे गुस्सा भी आता, पर मेरे शरीर में तो कुछ भी ऐसा नहीं बदला, जो जैसा है वैसा ही रहा। और कुछ सालों बाद मेरा गुस्सा शांत हो गया। मुझे लगा कि ये सारी चीजें तो हम बदल ही नहीं सकते। क्या हम बदल सकते हैं हम कैसे दिखते हैं? क्या हम हमारी नाक को बदल सकते हैं? क्या हम हमारी उंगलियों को बदल सकते हैं? क्या हम हमारे रंग को बदल सकते हैं? नहीं ना। तो मैंने सोचा कि इन सब चीजों के बारे में सोचना ही बेकार है, और फिर मैंने इन सब चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और फिर मैंने उन चीजों के बारे में सोचा जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे कि हम ज्यादा काइंड हो सकते हैं, यानी कि दयावान हो सकते हैं, हम दूसरों की इज्जत कर सकते हैं, हम जो इतने सारे अलग अलग दिखने वाले, अलग अलग संस्कृति से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले सभी जो मेरे दोस्त हैं या दोस्त नहीं भी हैं, उन सभी को हम इज्जत दे सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को बदला जा सकता है और अच्छा बना जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बदलने के लिए कुछ किया जाए, ना कि बैठे बैठे रोया जाए कि मैं ऐसा क्यों दिखती हूं, मैं ऐसा क्यों दिखता हूं। समझ में आई बात? तो मैं यहीं पर अपना प्रवचन बंद करूंगा और आप लोगों को आज की कहानी से परिचय कराऊंगा। आज की कहानी कुछ इसी इन्हीं बातों से जुड़ती हुई कहानी है कि हम कैसे दिखते हैं। हम बहुत बार हम खुद को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम कुछ प्रकार के दिखते हैं, हमें खुद को पसंद, हम अपने आप को पसंद नहीं कर पाते हैं। हम आईने में अपने आप को देखते हैं और कहते हैं कि अरे यार बढ़िया नहीं लग रहा है, या कभी कभी कहते हैं, या कुछ लोग कहते भी होंगे, वाह कितना बढ़िया लग रहा है। तो इन्हीं सब चीजों से जुड़ती हुई आज की हमारी कहानी है गटिला। तो यहां पर आप देख पाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है। तो गटिला जो कहानी है इसे लिखा है लीसा डायस नरहन्हा और अंजुरा नरहन्हा ने मिलके। लीसा और अंजुरा दोनों माँ बेटी हैं और ये उन्होंने मिलकर पहली पुस्तक ये लिखी है और चित्र भी इन्होंने ही बनाया है, यानी कि स्टोरी रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय लीसा डायस नरहन्हा एंड अंजुरा नरहन्हा, जो कि दोनों गोवा की रहने वाली है और इन्हें पक्षियों को देखना, जानवरों को देखना बहुत अच्छा लगता है, और फिर इन्हें देख देख कर ये नई नई कहानियां बच्चों के लिए लिखते रहती हैं, बनाते रहती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गटिला।
बहुत साल पहले की बात है। तो ये कहानी जो है ये काफी साल पहले की है, आज की नहीं है, कुछ साल पहले की है। बहुत साल पहले की बात है, मैं और मेरी बहन हमारे माता पिता के साथ गोवा के एक छोटे से गांव में रहते थे। तो ये जो लेखिका है शायद वो कह रही है, और यहाँ पे शायद उसकी चित्र भी बनी हुई है, वो जो लड़की है जो कह रही है उसका चित्र है, या शायद ये उसकी बहन का चित्र भी हो सकता है। मेरी छोटी बहन बहुत दुबली पतली थी, इसलिए पिताजी ने एक गाय खरीद कर लाए ताकि उसे ताजा दूध मिल सके। गाय छोटी और एकदम काली थी, मेरी बहन ने उसका नाम गटिला रखा। तो ये रही हमारी छोटी सी गाय जिसका नाम क्या है, गटिला, शायद ये है वो गाय। तो ये वो दोनों शायद लड़कियां हैं, दोनों बहनें हैं, और छोटी बहन जो बहुत दुबली पतली है शायद वो ये है यहाँ पर, और इसके लिए ताकि इसको दूध मिल सके इसलिए उसके पिताजी ने एक गाय लाया। गाय का रंग तो बिल्कुल काला है, पूरी तरीके से काली गाय है, और इस गाय का नाम रखा गया गटिला। गटिला सुबह जल्दी उठती और दूध देने के बाद दिन भर घूमती रहती। तो ये गटिला हमारी सुबह सुबह जल्दी उठ के दूध देती और हर जगह जहां भी उसका मन करता वो घूमती रहती। सूरज ढलने पर वह खाने के लिए अपनी गौशाला में लौट आती, और जब शाम हो जाती यानी कि सूरज ढल जाता तो वो अपने गौशाला में, गौशाला उस जगह को कहते हैं जहां गाय रहती है, वहां पर वो लौट कर आ जाती, शाम को वापस आ जाती। गटिला खुश थी, बहुत खुश थी गटिला, पर उसे एक ही बात का दुख था। वो बात क्या होगी, किस बात का गटिला को दुख है? गटिला कहती, भला मैं एक ही रंग की क्यों हूं? गटिला को लगता कि मैं तो सिर्फ पूरी काले रंग की हूं, ये एक ही रंग की मुझे क्यों बनाया गया? और यहां पर तो कुछ दूसरी गाय भी दिख रही हैं, इनमें तो दो दो रंग मुझे दिख रहे हैं। यहां पर पास में चलती काली और सफेद गायों को झुंड को देखकर वह सोचने लगती। तो इन गायों को देखकर गटिला सोच रही है कि मैं एक ही रंग की, बिल्कुल काली सी एक ही रंग की क्यों हूं। एक दिन घर लौटते समय गटिला को रास्ते में एक मेंढक मिला, और ये रहा हमारा चुटकू सा मेंढक, यहां पर गटिला को मिलता है। उसने मेंढक से शर्माते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूं? तो गटिला ने मेंढक से पूछा ऐसा। मेंढक ने कहा, मेंढक ने सोचा, अगर तुम्हें काला रंग पसंद है तो मेरे ख्याल से तुम सुंदर हो, पर मुझे तो हरा रंग पसंद है, ऐसा मेंढक ने कहा। तो गटिला ने कहा, मेंढक ने कहा, अपने चारों ओर देखो, अपने चारों तरफ देखो, प्रकृति हरी और सुंदर है, तो हरा रंग भी सुंदर हुआ ना। गटिला ने पूंछ हिलाई, मेंढक को अलविदा कहा और घर की तरफ चल दी। तो ये जो मेंढक है, मेंढक को तो हरा रंग पसंद है और मेंढक भी हरे रंग का है, और उसने कहा कि सारी दुनिया में तो हरा रंग बहुत है, सारी पत्तियां पेड़ पौधे सब हरे रंग के हैं, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। अब गटिला क्या करती है, उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चुपके से दादाजी की कोठरी में घुस गई। और यहां हम गटिला कहां जा रहे हैं, गटिला क्या आप गटिला को देख रहे हैं, कहां से छुपकर गटिला देख रही है, शायद यहां से गटिला झांक रही है और इस कोठरी में आएगी। गटिला ने हरे रंग का पेंट ढूंढा और अपने काम में लग गई। गटिला को ये हरे रंग का पेंट यहां पर मिल गया,
और कटीला अपने काम में लग गए, यानी कि कटीला क्या करेगी, कटीला का क्या काम है यहाँ पेंट से। और कटीला कुछ इस तरीके की बन गई। ये कटीला का रंग कैसा हो गया, बिल्कुल हरा हरा पत्तियों जैसा। और कटीला फिर अगले सुबह घूमने गई। अगली सुबह मधुमक्खियों की मंडली ने उसे घेर लिया। तो अगली सुबह उसके आसपास कौन आ गई, बहुत सारी मधुमक्खियां। वे भिनभिनाई, मधुमक्खियां कैसे भिनभिनाती है, कुछ इस तरीके से वे भिनभिनाई और कहने लगी, अरे ये क्या है, और सारी चिल्लाई, ये क्या है, हरी गाय, और हंसने लगी, कुछ इस तरीके से हरी गाय को देख के हंसने लग गई। भाई क्या आप लोगों ने पहले कभी ऐसी हरी गाय देखी है, मैंने तो हरी गाय आज तक नहीं देखी, शायद इसलिए मधुमक्खियां उसे देखकर हंस रही हैं। और वो हंसने लगी। गटीला ने पूछा, तो तुम ही बताओ कौन सा रंग सबसे अच्छा है। तो मधुमक्खियों ने कहा, सूरज जैसा पीला, रात जैसा काला, इन दोनों का मिल जाना है निराला। तो मधुमक्खियों ने कहा कि सूरज जैसा पीला हो और रात जैसा काला हो, और अगर ये दोनों मिल जाए तो एक बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसे हम लोग इस तरीके से पीले और काले दिखते हैं, तुम भी वैसी हो जाओ, या ऐसा जो रंग होता है वो बहुत सुंदर दिखता है। और अब कटीला क्या करेगी, क्या कटीला फिर से पेंट लगाएगी। और कटीला ने बिल्कुल वही किया और पेंट लगाकर आ गई बिल्कुल नए रंग में। मधुमक्खियों की तरह कटीला भी पीले काले रंग में रंग गई। अगली सुबह सभी ने काली पीली धारीदार गाय को मैदान में चरते हुए देखा। उसे नजदीक से देखने के लिए आसमान में उड़ता हुआ बगुलों का दल नीचे उतर आया। और ये हमारे बहुत सारे बगुले यहाँ पर ऊपर से उड़ते हुए नीचे उतर आए कटीला को देखने के लिए। अरे ऐसी गाय कभी किसी ने देखी है, और दूर दूर से उड़ के ये लोग आ गए। और उन्होंने कहा, काली और पीली, और बगुले हंसने लगे, ये कैसी गाय है, ऐसी गाय तो हमने कभी देखी ही नहीं। और ये सारे बगुले हंसने लगे गाय को देखकर, कटीला पर हंसने लगे। सफेद बनो सफेद, उन्होंने कहा, सफेद बनो सफेद। वे पंख फड़फड़ा कर बोले, सफेद ही है सही। इन्होंने कहा, सफेद रंग बनो, क्योंकि सफेद रंग ही सबसे सही रंग है। और कटीला ने फिर क्या किया होगा, क्या कटीला सफेद बनेगी। और गटीले ने अपने आप को पूरा सफेद रंग डाला यहां पर, तो बिल्कुल सफेद। लेकिन ये क्या, उस रात गटीला अपने को रंगते हुए गाने लगी, हाथी के दांत जैसा रंग सफेद हो उजला वैसा। पर अगले दिन वह ज्यादा देर तक सफेद नहीं रह पाई। क्यों, क्योंकि कीचड़ मिट्टी के धब्बे से वह भूरी और मटमैली हो गई, और बिल्कुल चलते चलते उसने अपने शरीर पर कीचड़ मिट्टी ना जाने क्या क्या लगा लिया, और बिल्कुल सफेद ना रह पाई, बिल्कुल ही यहां पर तो भूरी भूरी कीचड़ मिट्टी मिट्टी हो गई बिल्कुल। और फिर वो आगे बढ़ी, वह उदास एक पेड़ के नीचे जा बैठी, बिल्कुल उदास हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कौन से रंग की होंगी। वही नजदीक उसका दोस्त कौन हो सकता है, क्या ये कोई पक्षी है, ये कौन सा पक्षी है। वही नजदीक उसका दोस्त मोर, ये कौन होगा, मोर होगा। वही नजदीक उसका दोस्त मोर अपने खूबसूरत पंख फैला नाच नाच कर मोरनी को रिझाने में लगा हुआ था। गटीला एकटक उसे देखती रही। आह क्या शाही अंदाज है, उसने सोचा, गटीला ने सोचा। मोर, और ये रहा हमारा मोर, मोर आ गया। मोर ने भी उसे देखा और कहा, तुम बहुत अजीब लग रही हो, उसने कहा।
यह मिट्टी जैसा रंग तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहा। उसने कहा कि ये कैसा रंग हो गया है तुम्हारा गटीला, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गई हो, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो गटीला ने कहा, तुम ही बताओ कौन सा रंग सबसे अच्छा रहेगा। मोर ने अपने पंख फैलाए, सुंदर गहरे रंग दिखाए, और मोर ने जिसके पास बहुत सारे रंग होते हैं उसने अपने पंख फैलाए और अपने सुंदर सुंदर रंग उसको दिखाए। अचानक एक विचार आते ही कटीला उठ खड़ी हुई, उसने मोर को धन्यवाद कहा और घर की ओर भागी। और कटीला को एक आइडिया आ गया, हाँ अब मैं ये रंग करूंगी, और वो तेजी से घर की ओर भागी। अगला दिन गटीला के जीवन का सबसे बुरा दिन था। जहां भी वह गई सभी ने हंस कर कहा, जरा देखो तो अब गाय भी नीली होने लगी है, और सभी उसका हंसकर मजाक उड़ाने लगे कि देखो ये तो कैसी नीली नीली गाय है, क्या नीले रंग की गाय कभी होती है, कैसी दिख रही है। और ये मेंढक उसका मजाक उड़ाने लगे, ये मधुमक्खियां भी उसका मजाक उड़ाने लगी, और ये बगुले भी उसका मजाक उड़ाने लगे, और सभी उसका मजाक उड़ाने लगे कैसी नीली गाय है, और हंसने लगे उसके ऊपर बहुत बहुत। तभी एक नन्ही रंग बिरंगी तितली उसकी नाक पर आ बैठी, और कटीला के नाक पर कौन आ बैठी, एक प्यारी सी रंग बिरंगी तितली। और उसने कहा, पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। तितली ने कटीला से कहा, तुम जरा हट कर सोचो कटीला। उसने कहा कि तुम तो ऐसा सोच रही हो, अब तुम्हें हट कर सोचने की जरूरत है। पंख फड़फड़ाते हुए यह फुसफुसाई, क्या कहने की, उसने धीरे 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 कटीला के कान में कह दिया, तुम्हें क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा, आप लोगों को क्या लगता है अब कटीला कौन से रंग में आएगी, कटीला अब क्या करेगी, क्या वो इस तितली के जैसे रंगेगी या कुछ और ही करेगी। और अगले दिन कटीला कैसे दिखने लगी, बिल्कुल बहुत सारे रंगों में रंगी हुई कटीला तितली के रंगों में, अनेक रंगों में रंगी हुई। अगले दिन सुबह जब दादाजी अपनी कोठरी में गए तो हैरान रह गए, अरे बाप रे ये गटीला ने क्या कर दिया, ऐसा सोचने लगे। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा क्या करूं गटीला, मैं तुम्हारा क्या करूं। वे चिल्लाए, ओ मेरी प्यारी पगली गटीला, और वे हंसने लगे, अरे मेरी प्यारी पगली तूने ये क्या कर लिया, इतने सारे रंगों को तूने अपने शरीर पर क्यों लगा लिया गटीला। और वो बहुत हंसने लगे। गटीला भाग कर बाग के कोने में जा छुपी, और गटीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सब हंस रहे हैं उस पर, और बिल्कुल कोई भी रंग उस पर नहीं जच रहा है। उसने उसको बहुत बुरा लग रहा था, और वो भाग गई वहां से, और भाग किसी बाग में छुप गई बहुत दूर। दोपहर में वह खड़ी वह सावन की पहली बारिश में भीगती रही, और फिर बारिश होने लगी, पानी गिरने लगा, और वो बारिश में भीगती रही, और बारिश में भीग कर सारे रंग क्या हो गए, गटीला के शरीर से निकल कर बहने लगे। यहां पर सारे रंग उस पर से धीरे धीरे धुलते गए, और सारे रंग धुल गए, और वापस गटीला अपने असल रंग में, काले रंग में लौट आई। जब सूरज की किरणें चमकी, गटीला सिर झुकाए खड़ी थी, मन निराश पर शरीर दमकीला। तो उसके बाद बारिश खत्म हो गई, बारिश खत्म होने के बाद फिर सूरज निकल आया, और सूरज की रोशनी किरणें गटीला के शरीर पर पड़ने लगी, और गटीला तो निराश थी लेकिन बारिश होने के बाद उसका शरीर बिल्कुल चमकदार हो गया, बिल्कुल चमकने लगा। मेरी बहन ने खिड़की से उसे देखा और उसकी ओर भागी। मेरी बहन ने खिड़की से गटीला की तरफ देखा और जोर से दौड़ के वो गटीला के पास गई, गटीला के पास यहां पर गई, और उसने कहा, ओ गटीला
तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वह बोली। और उसने कहा कि कटीला तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम तो कितनी चमक रही हो। और कटीला भी लगता है और खुश हो रही है, कटीला तो कितनी सुंदर दिख रही है यहाँ पर। गटीला खुश हो गई, और ये सुनकर गटीला खुश हो गई ये कि किसी ने तो अब मुझे सुंदर कह दिया। अब वो जब भी सुंदर दिखना चाहती तो नदी में डुबकी लगा लेती, और अब उसको जब भी मन करता कि मुझे बहुत सुंदर दिखना है, मुझे बहुत चमकना है, तो वो नदी में डुबकी लगा लेती और पानी से उसका सुंदर पूरा काला रंग और उसका शरीर बिल्कुल चमकने लगता और वो बहुत सुंदर दिखने लगती। अब हमेशा गटीला अपने चमकते काले रंग को देखकर मुस्कुराती है, और तब से गटीला अपने रंग को देखकर खुश होती है, वो मुस्कुराती है। उसे अपना काला रंग, उसे अपना एक ही रंग, उसे अपना पूरा शरीर चमकता हुआ बहुत सुंदर लगता है, और अब गटीला हमेशा खुश रहती है, उसे कोई और रंग में रंगने की अब जरूरत ही नहीं है। और ये थी कहानी गटीला, जो कि लिखी है लीसा डायस नरोन्हा और अंजुला नरोन्हा ने। बहुत ही प्यारी कहानी हमारी प्यारी काली चमकदार दमकीली गाय गटीला की, जो आखिरकार जिसने अपने रंग को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और खुश हो गई। तो गटीला सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं है, मुझे लगता है कि गटीला आपकी, हमारी, हमारे दोस्तों की, घर वालों की, सबकी कहानी कुछ ना कुछ गटीला जैसी है। कभी ना कभी हम सभी ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसी हो जाऊं, लेकिन अंत में हमें तो खुश रहना ही बहुत जरूरी है। और हमें जब हम खुद को ही जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे, तभी हम खुश हो पाएंगे। तो गटीला कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।